हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद्यांजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, पैट हो, UPSC हो या फिर जो भी एग्जाम हो आपका, यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो में हमेशा ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब तक मैंने काफ़ी वीडियोस जीके की डाल रखी हैं। यदि आप लोगों ने उससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप लोग जीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? ए रांची, बी धनबाद, सी जमशेदपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, धनबाद में। भारतीय खनन विद्यालय धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? ए आगरा, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी कोलकाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी राजा राम मोहन राय, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? ए 1911 में, बी 1917 में, सी 1920 में, डी 1922 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? ए उर्दू, बी अरबी, सी तुर्की, डी फारसी। तो मुगल काल में रेख्ता कहा गया है उर्दू भाषा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने जितने भी लिए हैं आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ए तमिल, बी मलयालम, सी तेलुगु, डी बांग्ला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तेलुगु। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 5 स्टार लगा लीजिएगा इस पर। ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी मिजोरम। तो एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है वह कौन सा है? नागालैंड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ए म्यांमार, बी मॉरिशस, सी सिंगापुर, डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ए अवधी, बी भोजपुरी, सी ब्रजभाषा, डी खड़ी बोली। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा की राजभाषा है? ए हिंदी, बी बांग्ला, सी मलयालम, डी नागा। तो त्रिपुरा की राजभाषा क्या है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए राजस्थान, बी जम्मू कश्मीर, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ए शोभना जगदीश, बी अविनाश कौर सरीन, सी प्रतिमा पुरी, डी सलमा सुल्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, एक मिनट फ्रेंड्स, प्रतिमा पुरी। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी आंसर होगा, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका थी प्रतिमा पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? ए 1980 ईस्वी, बी 1972 ईस्वी, सी 1975 ईस्वी, डी 1981 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट है,
सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ए भारत, बी फ्रांस, सी जापान, डी चीन। तो सबसे ज़्यादा डाकघर हैं भारत देश में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह स्थित होगा फ्रेंड्स केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? ए 011, बी 022, सी 033, डी 044। तो मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है 022, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ए दादू, बी तुलसीदास, सी रामानंद, डी कबीर। तो रामानंद एक ऐसे भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ? ए 1880 ईस्वी, बी 1882 ईस्वी में, सी 1884 ईस्वी में, डी 1957 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1880 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंने अपने वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो को देखते रहिए। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? ए 1859 ईस्वी, बी 1854 ईस्वी, सी 1882 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में डाक टिकट जारी किया गया है 1854 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ए भोपाल, बी गुवाहाटी, सी चेन्नई, डी बस्तर। तो ये है फ्रेंड्स स्थित है भोपाल में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी चंडीगढ़, डी देहरादून। तो यह स्थित है फ्रेंड्स, वन मिनट रुकिए, ये स्थित है देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? ए जस्ता, बी तांबा, सी लोहा, डी ये सभी। तो ये प्रसिद्ध है जस्ता के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ए ग्रीक, बी पाली, सी तेलुगु, डी तमिल। तो यह है फ्रेंड्स तमिल भाषा में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? ए संघीय सरकार, बी संसदीय सरकार, सी अधिकारवादी सरकार, डी राष्ट्रपति सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसदीय सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ए पंचतंत्र, बी सूरसागर, सी रामायण, डी महाभारत। तो यह जो ग्रंथ है यह अनुवाद है किसका है फ्रेंड्स? तो यह अनुवाद है पंचतंत्र का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, एलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए इंडियन एयरलाइंस, बी सहारा एयरवेज, सी जेट एयरवेज, डी एयर इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडियन एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? ए कोची, बी गुवाहाटी, सी मोपा, डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोची में। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? ए सहारा एयर, बी इंडियन एयरलाइंस, सी एयर इंडिया, डी एलायंस एयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी शेरशाह। तो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी फ्रेंड्स शेरशाह ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, रट लीजिए, बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। ए सड़क परिवहन, बी वायु परिवहन, सी जल परिवहन, डी रेल परिवहन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सड़क परिवहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, ए ग्वालियर, बी सागर, सी भोपाल, डी झांसी। तो ये एक दूसरे को काटते हैं झांसी में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो यह 6 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ए कोयला, बी बायोगैस, सी प्राकृतिक गैस, डी पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, ए प्राकृतिक गैस, बी खनिज तेल, सी भूतापीय ऊर्जा, डी कोयला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, ए जलीय ऊर्जा, बी तापीय ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी सौर ऊर्जा। तो सबसे कम वायु प्रदूषण होता है सौर ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत है होता है, ए 50, बी 65, सी 70, डी 85। फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, हम लोग आगे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है, ए रणथंभौर, बी भरतपुर, सी सरिस्का, डी सिमलीपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरिस्का उद्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है, ए त्रिकूट, बी धवल गिरी, सी गौरीशंकर, डी सागरमाथा। तो यह प्रसिद्ध है फ्रेंड्स त्रिकूट के नाम से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है, ए कोसी नदी, बी गोदावरी नदी, सी बागमती नदी, डी नारायणी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बागमती नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे, ए पंडवानी, बी पंथी नृत्य, सी ढोकरा नृत्य, डी खनकुल। तो ये जुड़े थे फ्रेंड्स पंथी नृत्य से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।